दुनिया में आज जहां पर बहुत सारे फितनों ने जन्म लिया है, वहीं पर एक बहुत बड़ा फितना अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करना है। कितने ऐसे गुमराह लोग हैं जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते हैं, और उन्हीं गुमराह लोगों के पीछे पड़ करके, उन्हीं गुमराह लोगों को सुन करके हमारे कितने सारे नौजवान भी गुमराह हो रहे हैं, शको शुभे में पड़ रहे हैं कि हकीकत में अल्लाह ताला है भी कि नहीं है। इन्नल हम्दलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين معزز سامعین کرام, पर्दा नशीन प्यारी माए और बहने और हाजरीन जुमा, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने सूरह अहज़ाब की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। इस आयत करीमा की रोशनी में आज का टॉपिक है निसाली औरत। मोहतरम सामईन किराम, बिलाशुबा औरत सिनफे नाजुक है, उसे कदम कदम पे संभल संभल के चलना है। औरत जब बहन या बेटी के रूप में होता है तो इस मरहले में दामन पे बदनामी का हल्का सा दाग भी
जहां उसके भाई को रुसवा करता है, वहीं पे उसके वालिदैन उसके मां बाप की जिल्लत और रुसवाई का भी सबब बन जाता है। खुसूसन शादी के मौका के लिए मुश्किल घड़ी को सामने कर देता है। जरा सोचिए, अगर किसी बहन बेटी की बुराई के बारे में किसी को इल्म हो जाए, कोई भी खानदान जो अच्छा घराना कहलाता है, अच्छा खानदान माना जाता है, अगर वो अपने बेटे का रिश्ता कर रहा हो और लड़की के बारे में उसके दामन पे बदनामी का लगा हुआ दाग और धब्बे के बारे में उसको इल्म हो जाए, तो जरा बताएं क्या वो अच्छे खानदान वाले लोग उनसे रिश्ता करने के लिए तैयार होंगे? हरगिज नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं अपने बहनों से एक भाई होने के नाते ये नसीहत और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जज्बात में आकर के कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जिससे आपके भाइयों को रुसवाई का सामना करना पड़े। कोई भी कदम जज्बात में आकर के ऐसा ना उठाएं जिससे आपके वालिदैन को, आपके मां बाप को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। कोई भी काम ऐसा ना करें जिसकी वजह से आपके लिए 4-5 लाख के बजाय 10 और 15 लाख में आपके लिए शौहर खरीदना पड़े। इसी तरह से औरत जब बीवी होती है, औरत जब बीवी बन जाए तो शौहर के लिए जिंदगी का माले मता हुआ करती है, उसकी हिफाजत भी जरूरी है, वरना शौहर की नजरों में वो मशकूक हो जाती है। औरत जब मां बन जाए तो उसके लिए जरूरी है कि वो औलाद के लिए शफ़क़त और मोहब्बत का एक मेयार बने जिससे औलाद की इस्लामी तरबियत में मोहब्बत रुकावट ना बन जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से सिफात हैं, वो कौन सी खूबियां हैं जिनकी बदौलत एक औरत मिसाली बहन बन सकती है, जिनकी बदौलत एक औरत मिसाली बीवी बन सकती है, एक मिसाली मां बन सकती है, या ये कह लिया जाए कि जन्नती औरत की क्या क्या सिफात हैं, वो कौन सी खूबियां हैं जिसके लिए कोई औरत जन्नती बन सकती है। तो मेरी माओ और बहनों जरा गौर से सुनिए, वो सिफात, वो खूबियां जिनको अपना करके कोई भी औरत मिसाली औरत, मिसाली खातून बन सकती है, कोई भी औरत उन खूबियों को अपना करके जन्नती औरत बन सकती है। अल्लाह ताला ने उन खूबियों को, उन सिफात को सिर्फ और सिर्फ एक आयत करीमा में जमा कर दिया है। कितनी आयतों में? उन तमाम खूबियों को सिर्फ और सिर्फ एक आयत करीमा में जमा कर दिया है। वो अहम आयत कौन सी है? सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। الله تعالى فرماتا ہے इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल कानितीन वल कानितात, इबादत करने वाले मर्द और इबादत करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात,
सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशीन वल खाशियात आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अल्लाह ताला की कसरत से जिक्र अज़्कार करने वाले मर्द और जिक्र अज़्कार करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अज्रन अज़ीमा यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने वसी मग़फिरत और बहुत ज्यादा अज्र सवाब तैयार करके रखा है। मौज़ सामिन इकराम, इस आयत करीमा में जहां अल्लाह ताला ने मिसाली मर्द के 10 खूबियों का तस्किरा किया है, वहीं पे मिसाली खातून मिसाली औरत जन्नती औरत की भी 10 खूबियों का जिक्र किया है। इंशाल्लाह हम औरतों की इन 10 खूबियों को कदरे तफसील डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आयते करीमा में सबसे पहले मिसाली औरत की पहली सिफत जो बयान की गई है वो क्या है, औरत मुसलमान हो। अब मुसलमान किस तरह का हो, मुसलमान कैसा हो, मुसलमानों में भी कई तरह के मुसलमान हैं। सिर्फ आयशा खदीजा और मरियम नाम रख लेने से कोई औरत मुसलमान नहीं बन जाती है, बल्कि मुसलमान वो औरत है, मुसलमान वो खातून है जिसका गुफ्तार किरदार मुसलमाना हो, मुसलमानों वाली चाल चलन हो, वो औरत मुसलमानों के तर्ज अमल के मुताबिक अपने जिंदगी को गुजारने वाली हो। हदीस जिब्राइल जो कि एक बहुत ही मशहूर हदीस है, इस हदीस में इस्लाम की तारीफ कुछ इस तरह की गई है कि अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीम अस्सला व तुती अज़्ज़का व तसूम रमज़ान व तहज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला कि इस्लाम यह है कि तुम शहादतैन का इकरार करो, यानी इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सेवा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वह तो कीम सला नमाज कायम करो, वह तो जका जकात अदा करो, वह तसुम रमजान रमजान के रोजे रखो, वह तहज्जल बैत इन इस्तताअ इलैहि सबीला और अगर खर्च की ताकत हो तो बैतुल्लाह का हज करो। क्या औरतें इस्लाम के इन 5 बुनियादी अरकान का आईना दार है, क्या हमारी औरतें इस्लाम के इन 5 बुनियादी अरकान पे अमल करने वाली हैं? अगर कोई औरत अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने का इकरार करती है तो उसे दिनों रात में 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी होगी, चे जाए के सिर्फ आयशा खदीजा और मरियम का नाम रख लेने से कोई औरत मुसलमान नहीं बन सकती है, बल्कि मिसाली औरत बनने के लिए, जन्नती खातून जन्नती औरत बनने के लिए नमाज की अदायगी भी जरूरी है। नमाज को छोड़ करके कोई औरत मिसाली खातून कहलाए जन्नती औरत बन जाए मुमकिन नहीं है। जो औरतें नमाज को छोड़ करके जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखती है, यकीनन वो खाम ख्याली में धोखे में है, इसलिए कि नमाज के बगैर जन्नत में जाना मुश्किल है। हदीस के अंदर नमाज को जन्नत की कुंजी कहा गया है, मुफ्ताहुल जन्नत अस्सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है, गोया के जन्नत में ताला लगा हुआ है, जन्नत में दाखिल होने के लिए उस ताला को खोलना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, ताला को खोलने के लिए आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी और वो चाबी क्या है, नमाज है।
अगर नमाजी भी पढ़ेंगे तो वो चाबी आपके पास कहां से होगी? जन्नत का दरवाजा खुलने वाला नहीं है, जन्नत में जाना मुश्किल है। जन्नती जब जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती उनसे क्या सवाल करेंगे, मा सलकतुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाल दिया, किस वजह से जहन्नम में चले गए हो? वो सबसे पहली वजह, सबसे पहला रीजन क्या बताएंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लिन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो पता क्या चला कि मिसाली औरत बनने के लिए, जन्नती औरत बनने के लिए नमाज की पाबंदी भी बहुत जरूरी है। इसी तरह से मिसाली औरत की दूसरी सिफत यह है कि वह ईमान वाली हो, मोमिना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया, अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुल। दुनिया में आज जहां पर बहुत सारे फितनों ने जन्म लिया है, वहीं पर एक बहुत बड़ा फितना अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करना है। कितने ऐसे गुमराह लोग हैं जो अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करते हैं, और उन्हीं गुमराह लोगों के पीछे पड़ करके, उन्हीं गुमराह लोगों को सुन करके हमारे कितने सारे नौजवान भी गुमराह हो रहे हैं, शको शुभे में पड़ रहे हैं कि हकीकत में अल्लाह ताला है भी कि नहीं है। वो शको शुभे में पड़े हुए हैं कि अल्लाह है कि नहीं है। दुनिया का सारा निजाम खुद ब खुद चल रहा है, सूरज चांद सितारे अपने वक्त पर खुद ब खुद निकल रहे हैं। उनका मानना है कि कोई अल्लाह नहीं है, दुनिया को कोई चलाने वाला है, नऊज बिल्ला। अगर ऐसे लोगों को समझाया जाए, ऐसे नौजवानों को बताया जाए, गुमराहों को सुनने से मना किया जाए, तो उनका जवाब यह होता है कि वो तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मैं फला डॉक्टर को सुनता हूं, फला इंजीनियर को सुनता हूं, फला स्कॉलर को सुनता हूं, वो बहुत बेहतरीन हवाले और रेफरेंस के साथ बात करते हैं। मेरे नौजवानों जान लीजिए, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्कॉलर, कोई भी इंजीनियर जो भी माइक पर आकर के, कोई भी स्टूडियो और चैनल पर आकर के बातें करता है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि वो 100% बातें गलत बोलता है, हर 100% 100% बातें कुरान हदीस के खिलाफ बोलता है, हर किस नहीं। हर कोई कहेगा कि आप जिनको सुनते हैं वो 95, 96, बल्कि 98% बातें सही बोलता है, लेकिन उन्हीं बातों में से एक दो इतनी खराब बातें घुसा देता है, गुमराह उन बातों को शामिल कर देता है कि आपके ईमान को कब बिगाड़ करके चला जाता है, आपको कब शकों को शुबहात में मुबतला करके, आपके नजरिया और आपके थियोरी को किस तरह से बदल करके चला जाता है, और आपका ईमान कैसे जाया और बर्बाद हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो ईमान का दूसरा मरहला में ये बात आती है कि ये बात को तस्लीम किया जाए कि तरे तनहा इस कायनात का खालिक व मालिक, रोजी देने वाला, तदबीर व हुक्मरानी करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तीसरा मरहला ये बात है कि जब खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है तो इबादत भी सिर्फ और सिर्फ उसी की जाए, सिर्फ उसी अल्लाह को पुकारा जाए, तमाम तरह की हर किस्म की इबादत को सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए बजा लाया जाए। अल्लाह पर ईमान लाने का चौथा मरहला अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात पर ईमान लाया जाए। ईमान के इन मराहिल में हमारी औरतें कहीं ना कहीं अपने ईमान को जाय कर लेती हैं। ईमान के इन मराहिल में हमारी खवातीन कहीं ना कहीं अपने ईमान को बर्बाद कर लेती हैं। अगर औलाद ना होने लगे तो गैरुल्लाह को पुकारने लगती हैं। अगर बीमारी आ जाए तो तावीज बाबा और दरगाहों पर भरोसा कर लेती हैं। मेरी प्यारी माओ और बहनों सुन लो, यकीनन ये सारी चीजें शिर्क है, और शिर्क का अंजाम जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। जब ईमान की बात आई है तो अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत याद आती है।
कि उन्होंने बहुत ही शर्मनाक तरीके से शहीद हो जाना गवारा कर लिया। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब ईमान पहुंचा, इस्लाम पहुंचा, उस वक्त आप बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने इस्लाम को कबूल किया, ईमान को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आपके खानदान के लोगों ने, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, अपने लोगों ने आपको और आपके बेटे अम्मार को, आपके शौहर यासिर को इस कदर से तकलीफें दी, इस कदर से सजाएं दी, उनको तपती रेत पर गरम गरम बालू के दिन भर धूप में लिटा दिया जाता, उनको तरह तरह की सजाएं दी जाती, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर ईमान को जर्रा बराबर भी कम नहीं किया, अल्लाह पर ईमान को जर्रा बराबर भी कमजोर नहीं किया। मेरी माओ और बहनों, ईमान वाली औरत को देखना है, जन्नती औरत को देखना है, मिजाजी खातून को देखना है, तो फिरौन की बीवी को देखिए। फिरौन के महल में तमाम तरह की चीजें मौजूद थी, ऐशो इशरत की तमाम चीजें मौजूद थी, किसी चीज की कमी ना थी। फिरौन की बीवी अगर चाहती तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकती थी, लग्जरीज लाइफ जी करके इस दुनिया से जा सकती थी, लेकिन फिरौन की बीवी ने ऐशो इशरत को छोड़ करके, लग्जरीज लाइफ को छोड़ करके ईमान को गले से लगाया, ईमान को गले से लगाया और अल्लाह ताला से दुआ की। क्या दुआ की? कुरान ने इसका नक्शा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खींचा है। सूरह तहरीम सूरा नंबर 66 आयत नंबर 11 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनु मरअत फिरौन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिन अल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान की है। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, जब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, रब्बि इब्नि ली, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना। दुआ करना है तो इस तरह दुआ कीजिए, इस तरह की दुआ मांगिए। अगर कोई चीज मांगनी है तो बड़ी बड़ी चीजें मांगिए। हम मांगते हैं, क्या मांगते हैं? बीमारी के बारे में दुआ करते हैं, दुनियावी चीजों के ताल्लुक से दुआएं करते हैं, मालो दौलत में इजाफी की दुआएं करते हैं, बीमारी से शिफायाबी और दिगर परेशानियों से निजात की दुआएं करते हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। अगर अल्लाह ताला से मांगना है तो बड़ी बड़ी चीजें मांगिए। फिरौन की बीवी देखिए किस चीज की दुआ कर रही है, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब, अपने पास जन्नत में मेरे लिए घर बना, अपने पास जन्नत में मेरे लिए मकान बना। अगर अल्लाह ताला के पास जन्नत में किसी के लिए घर बन जाए, मकान बन जाए, तो और क्या चाहिए? इससे बड़ी चीज क्या है? दुनिया में इंसान इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इबादतें अंजाम दे रहा है, इतने सारे रुपये पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? नमाज रोजे अदा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसे जन्नत में जगह मिल जाए। तो मांगना है तो बड़ी बड़ी चीजें मांगिए। आगे कहती है, वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिन अल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वो कहती है कि ए मेरे रब, मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले, वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही, मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले, वनज्जिनी मिन अल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे जालिम लोगों से नजात दे। कितनी बेहतरीन दुआ कर रही हैं। फिरौन की बीवी
जो अल्लाह के बिल्कुल मुखालिफ, जिन्होंने खुद को रब होने का दावा किया था, वो जहन्नम में जाएंगे, उसकी बीवी जन्नत में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ईमान की बदौलत। इसके बरअक्स नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम का ईंधन बनेंगे, जहन्नम में जाएंगे। क्यों जहन्नम में जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ ईमान को कबूल न करने की वजह से, ईमान को अहमियत ना देने की वजह से, ईमान को गले ना लगाने की वजह से। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, तरह से मिसाली औरत की और आठ सिफात बची हुई है इस आयत की रोशनी में, इंशाल्लाह इस्तवार इनको बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ हूं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक दे। बारे इलाहा हम तमाम औरत हमारी तमाम माओ और बहनों को मिसाली खातून और जन्नती खातून बनने की तौफीक दे। बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को अपने अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक दे। बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को माओ और बहनों को नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे। बारे इलाहा हम में से जो नमाज से दूर है, नमाज से गफलत बरत रहे हैं, उनको नमाज की हिफाजत करने की तौफीक दे। बारे इलाहा हम में से जो भी मुसलमान परेशान हाल हैं, जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, तो उनकी हिफाजत फरमा। बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को ईमान और इस्लाम की हालत पे खात्मा बिल खैर फरमा, और जब हमारी मौत हो, हमारा खात्मा हो, तो ईमान की हालत पे और हमारा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।